हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सोशल साइंस का सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है और 2020-2021 में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं हम हिस्ट्री से कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, हिस्ट्री में केवल दो चैप्टर्स मेन रहेंगे जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। वो है फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। केवल यही दो चैप्टर हैं जिनमें से हिस्ट्री में से पेपर पूछा जाएगा। पेपर में सिर्फ इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर इंटरनल असेसमेंट के लिए काउंट किया गया है, उसके लिए लिया गया है, वो कौन कौन से चैप्टर हैं? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर तैयार करना है और उसी चैप्टर में से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट बुक पर। वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं? फर्स्ट है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। केवल और केवल यही चार चैप्टर पूछे जाने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर। केवल इन्हीं चारों चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सभी प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं चार चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मैप वर्क पे। वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये दो चैप्टर्स सीबीएसई ने कंसिडर किए हैं मैप वर्क के लिए। इसमें से केवल और केवल मैप वर्क पूछा जाएगा और कुछ नहीं आएगा इसमें से। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में से पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, केवल और केवल यही चार चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इन्हीं चारों चैप्टर में से पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट हम आते हैं अब इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स में हमारे चार चैप्टर हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, और नेक्स्ट लास्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये चार चैप्टर पहले भी थे, लास्ट ईयर भी थे, और इस बार भी यही चार चैप्टर हैं। इनमें से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।